आज हम बनाने जा रहे हैं अरहर की दाल, और उसमें हम तड़का भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखें कि ये दाल हम कैसे बनाएंगे। इसको तुअर की दाल भी कहते हैं। तो ये दाल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है। आप चावल के साथ या रोटी के साथ कैसे भी खाएंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसके लिए हम एक कटोरी अरहर की दाल ले लेंगे और अच्छे से हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो ये मैंने दाल ले ली है, साफ़ भी कर ली है। अब हम बाउल में दाल को डाल देंगे और 2 ग्लास पानी डालकर हम 15 से 20 मिनट तक इसको भिगो देंगे। भीगने के लिए हम रख देंगे। जब हमारी दाल अच्छे से भीग जाएगी तब हम इसको साफ़ करेंगे। तो अभी हम दाल को भिगो रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए हमने दाल को भिगो लिया है और अब हम इसको साफ़ कर लेंगे। अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देंगे क्योंकि इसमें कलर भी रहता है, कभी कभी दाल पे कलर चढ़ा रहता है। तो इसको 2-3 पानी से हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि सारा जो कलर है इसका वो निकल जाए। तो ये हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब हम इसको पानी पूरा फेंक देंगे। फेंकने के बाद हम कुकर लेंगे और कुकर में हम इस धुली हुई दाल को डाल देंगे। दाल को डालने के बाद हम इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। 2 ग्लास पानी डालकर हम इसको गैस पे रखेंगे। फ्रेंड्स तो देखिए हमने 2 ग्लास पानी रखा है। बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं रखेंगे। हम पतली दाल बना रहे हैं या हम गाढ़ी दाल बना रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। और हम इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर भी डालेंगे जिससे कि हमारी दाल में कलर आ जाए। तो ये हमने नमक और हल्दी डाल दी है। अब हम ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद हम इसको गैस पे रख देंगे। 3 सीटी आने पर हम कुकर को नीचे उतारेंगे। फ्रेंड्स तो ये हमने गैस को ऑन कर दिया है, कुकर भी रख दिया है और हमारी 3 सीटी आ चुकी हैं। तो अब हम कुकर को नीचे उतार लेंगे और देखेंगे कि हमारी दाल कैसे पकी है। तो देखिए हमारी दाल अच्छे से पक गई है जैसे हम चाह रहे थे। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। तो ये दाल हमारी मीडियम पक चुकी है जैसे हम पकाना चाह रहे थे। अब हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल भी ले सकती हैं। हम यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे सबसे पहले। तो जीरा हमारा तड़कने लगेगा तब हम इसमें लहसुन अदरक जो हमने काट के रखा हुआ है और एक हरी मिर्ची हमने ली है। तो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्ची भी डाल दिया है और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। लहसुन हमारा पक रहा है। गोल्डन ब्राउन हो जाने पर हम इसमें छोटा छोटा कटा हुआ प्याज भी डालेंगे जो कि मैंने काट के रखा है। तो अभी हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स तो देखिए हमारा लहसुन पकने वाला है, कलर आने लगा है। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम अच्छे से पकाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भी हम भूनते जाएंगे। जब हमारा प्याज अच्छे से पकेगा तभी हमारी दाल में अच्छा स्वाद आएगा। फ्रेंड्स तो कच्चे प्याज में आप कभी भी तड़का मत लगाइए, चाहे सब्जी बनाएं चाहे दाल बनाएं। जब तक आपका प्याज ना पके तब तक आप उसको छौंकिए नहीं, उसमें मसाला नहीं डालिए जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा प्याज अपना कलर चेंज करने लगा है। तो गोल्डन ब्राउन होने वाला है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्याज भुन रहा है। तो लगभग हमारा प्याज भुन चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्ची डाल देंगे, गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी धनिया भी डालेंगे। फ्रेंड्स हमने सारे मसाले डाल दिए हैं और अच्छे से इसको चलाते जाएंगे। और हमने एक छोटा टमाटर भी काट के रखा था, वो भी हमने डाल दिया है। अब हम इसको भूनते जाएंगे जब तक कि थोड़ा सा हमें नमक भी डालना पड़ेगा क्योंकि हमारा टमाटर है। तो टमाटर जब तक हम नमक नहीं डालते हैं तो टमाटर जल्दी नहीं गलता, काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए हम नमक भी डाल देंगे थोड़ा सा। दाल में हमने नमक पहले डाल दिया है तो हम नमक थोड़ा सा ही डालेंगे ताकि हमारा प्याज गल सके। तो देखिए हमने नमक डाल दिया है और हम इसको बराबर चलाते जाएंगे। और देखिए हमारा प्याज भी गल चुका है।
और इसमें कलर भी अच्छा सा आ चुका है। तो हमने जो दाल पकाई है वही दाल हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स। कुकर हम अपना इसी में कुकर की सारी दाल हम पलट देंगे कढ़ाई में। तो देखिए हमने दाल भी पलट दी है और ये कुकर में हमारी थोड़ी सी दाल लगी हुई है, तो हम इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और पानी डाल के अच्छे से हिला के कुकर को हिलाएंगे और जो पानी रहेगा हम वो दाल में डाल देंगे। अब हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे, जब तक कि हमारी दाल में उबाल ना आ जाए तब तक हम इसको गैस पे ऐसे ही चढ़ाए रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो अभी उबाल नहीं आया है तो अभी हम इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। जब हमारी दाल उबलने लगेगी, खौलने लगेगी, तब हम उतारेंगे। तो देखिए दाल हमारी पकने लगी है, ये देखिए हमारी दाल खौल गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और दाल को नीचे उतारेंगे। नीचे उतारने के बाद हम फिर से इस पे तड़का लगाएंगे फ्रेंड्स। ये हमने नीचे उतार ली है, अब हम ऊपर से थोड़ा सा तड़का और लगाएंगे ताकि हमारी दाल और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो हमने तड़का पैन गैस पे रख दिया है, अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। 1 चम्मच देसी घी डाल के हम घी को गरम कर लेंगे अच्छे से। घी हमारा जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो अभी देखिए हमारा घी अच्छे से गरम नहीं हुआ है तो अभी हम जीरा नहीं डालेंगे। अब हमारा घी गरम हो चुका है तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, ये सूखी खड़ी लाल मिर्ची है। फिर हमने थोड़ी सी हींग डाल दी है, हींग हमने 1 चुटकी ली है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 करी पत्ते। तो ये हमारे करी पत्ते हैं, हमने डाल दिया है। करी पत्ता का पेड़ हमारे यहाँ है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें करी पत्ता आसानी से मिल जाता है फ्रेंड्स। करी पत्ता डालने से स्वाद बढ़ जाता है। तो देखिए हमने करी पत्ते भी डाल दिए हैं, अच्छे से इसको पका लेंगे। तो ये सारा जो मसाला हमारा है पक चुका है, जीरा मिर्चा सब पक चुका है। तो अब हम ऊपर से दाल में इसको डाल देंगे। तो देखिए हमने दाल में डाल दिया है, तड़का लगा दिया है, हमारी दाल बनकर रेडी है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। इस दाल को आप चावल रोटी के साथ खाएंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, अरहर की दाल हर घर में पसंद की जाती है फ्रेंड्स। तो बन गई हमारी अरहर की दाल।